देहान उच्चावचान जंतु प्राप्त सृजति कर्मणा शत्रुर मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। इसलिए स्वभाव के द्वारा संपन्न कर्म ही है सर्व कारण, इसलिए कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। कर्मैव पूज्यम इत्यादि, किसी इंद्र के रूप में कल्पित ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रकट जो स्वभाव है कर्म है, तो कर्म ही पूज्य है, वास्तव में आदरणीय है, इसको बता रहे हैं। जंतु उच्चावचान देहान प्राप्य उत्सृजति, जीव अपने कर्म के अनुसार ही कभी उच्च शरीर पाता है, कभी अवच शरीर पाता है। अवच माने नीच, साधारण, उत्कृष्ट शरीर, देवता का शरीर, अच्छा शरीर, ये मनुष्यों में भी कोई उत्कृष्ट शरीर, इसको उच्च शरीर कहते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर बहुत अच्छा है, जैसे पशु पक्षी हैं, उनके शरीर में चेतना तो है, लेकिन वास्तव में बुद्धि ज्ञान लगभग नहीं के बराबर। तो उन शरीरों से यह शरीर उच्च है, बुद्धि है, इसके द्वारा ईश्वर को भी समझा जा सकता है, भगवान को समझा जा सकता है, और भी प्रकृति के भी गुणों को समझने की शक्ति है। प्रकृति को इस्तेमाल करके, प्रकृति के कुछ ऐसी प्रकृति की शक्तियां हैं जिनका उपयोग मनुष्य कर लेता है। जैसे यहां से बैठे बैठे कलकत्ता बात कर सकता है, अमेरिका में कर सकता है, ये मनुष्य के बुद्धि की करामात। जो फोन बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, वायुयान बनाया है, इतने तेज रफ्तार से सैकड़ों आदमी एक साथ उड़ करके जाते हैं। पंख नहीं है, लेकिन देखिए बुद्धि, ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। और दूसरे जीव ऐसा नहीं कर सकते। बानर कूदने में फानने में तेज है, लेकिन वर्षा होने लगे तो छाता ओढ़ नहीं सकते। छाता रहेगा उसको भी नोच करके फाड़ कर फेंक देंगे, उसको ओढ़ नहीं सकते। एक बार की बात है, वृंदावन में बहुत ठंडा पड़ रहा था, तो मुझे दया आई बानरों के प्रति। वैसे एक थोक में बंद करके जम रहे थे, तो मैं सोचा कम से कम नीचे से तो ठंडा न लगे संगमरमर के पत्थर पर। मैं एक पुराना कंबल ले जाकर वहां फैला दिया, तो हमारे जाने से वो लोग हटे तो जहां बैठे थे मैं उसको कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि वो लोग बैठेंगे इस पर, लेकिन उस कंबल को उन लोगों ने प्राय नोच नाच करके फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। फिर ठंडे पर ही बैठे फिर ठंडे पर बैठे रहे। इस दृष्टि से, प्रकृति के उपकरणों का इस्तेमाल करने के दृष्टि से, अन्य शरीर नीच है, अधम है, मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है। भगवान ने जो प्रकृति बनाया है, तो प्रकृति को ठीक से इस्तेमाल करें। ऐसे ये फोन की शक्ति जो है, यहाँ बटन दबाइए और घंटी बजेगी विदेश में, ये शक्ति तो पहले से ही है, केवल इसके आविष्कार की जरूरत होती है, कौन व्यक्ति प्रयोग करके और इसको पकड़ लेगा। यह कंप्यूटर है, जो भी है, रेल है, वायुयान है, रेडियो है, दूसरे जीवों में ये चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। अपने शरीर तक जो क्षमता है, पक्षी की क्षमता है उड़ने की, किसी की बोलने की, चलने की, खाने की, उतना ही करते हैं। परंतु मनुष्य की बुद्धि का सबसे सुंदर, सबसे परफेक्ट प्रयोग क्या है कि संसार को बनाने वाले ईश्वर को जानना, भगवान को जानना और उनको समर्पण करना, यही सबसे हाईएस्ट बुद्धि है। इसीलिए भगवान गीता में एक अध्याय में कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्
कृतकृत्यश्च भारत। जब मुझको कोई व्यक्ति जान जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं परम ईश्वर हूं, इस प्रकार से जान जाता है तब बुद्धिमान बनता है, वास्तविक बुद्धि इसको होती है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में नहीं जाना, भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं किया, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कुछ भी करे, जो भी आविष्कार करे, घूमे फिरे, भोजन का, भोगों का कुछ भी प्रयोग कर ले, कमा ले, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है जो कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर और उनकी शरण लेता है। भगवान कहते हैं कि यो मामे व मसमुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत। जो व्यक्ति मुझको बिना संदेह के परम ईश्वर के रूप में जानता है, परम पुरुष के रूप में जानता है, तो वही सर्ववेत्ता है, सर्वज्ञ है और सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान गीता में बोले, बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग गीता पढ़ते हैं और मानते हैं कि हम गीता को मानते हैं, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। ऐसे बोका लोगों को क्या कहा जाए कि वो गीता पढ़ते हैं, नाम बना लेते हैं गीता आश्रम, ये गीता, वो गीता, वो गीता, और गीता में जो बात लिखी गई है एक अक्षर भी नहीं जानते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा के विषय में बोलते हैं, जो उनको जानता है वही बुद्धिमान है, उसका जीवन धन्य है, कृतकृत्य है जो श्री कृष्ण का भजन करता है, और बाकी का जीवन धन्य नहीं है, अपूर्ण जीवन है। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं, तो गीता से बोलने वाले लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है। श्री भगवान वाच, जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं वे हैं श्री भगवान, श्री भगवान बोलते हैं गीता। कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा, विवेकी होगा, जो गीता पढ़ करके भी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा? नहीं बनता है तो इसका मतलब है दिमाग खराब है वास्तव में उसका, वो समझ नहीं रहा है कुछ भी। जो गीता क्या पढ़ रहा है और सुन रहा है इतनी क्लियर बात भगवान की नहीं समझी जाती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जीव उच्च और अवच शरीर प्राप्त करता है और छोड़ता है। उच्च और अवच पर मैं बोल रहा हूं कि मनुष्य शरीर है, इस विषय में सबसे उच्च है। मनुष्य शरीर के समान अच्छा शरीर किसी का नहीं है, देवताओं का भी नहीं। देवताओं का शरीर अच्छा है ये भगवान को समझ सकते हैं, समझते भी हैं देवता लोग, लेकिन देवताओं के लोक में इतना ज्यादा भोग है, इतनी उत्कृष्ट वस्तुएं हैं खाने की, पहनने की, घूमने की, इंद्रिय सुख इतना ज्यादा है कि देवताओं का मन भोगों में फंसा रहता है। एक फैसिलिटी भगवान ने मनुष्यों को दिया है यहाँ कि यहाँ भोग की व्यवस्था किए नहीं, यहाँ पर दुख की व्यवस्था किए है जिससे जीव फंसने न पावे, क्योंकि मनुष्य तमोगुणी है, वो फंस जाएगा तुरंत। यहाँ देवताओं जैसा भोग मिले तब तो क्या कहना हो, अरे वो सुअर जैसा भोग मिल रहा है फिर भी उसी में फंसा हुआ है। कुछ लोग विदेशों में प्रश्न करते हैं कि भगवान की प्रिय भूमि है भारतवर्ष, भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, तो फिर भगवान भारतवर्ष में दुख ज्यादा क्यों दिए हैं? तो इसी कारण से दिए हैं कि यहाँ व्यक्ति कभी कभी उब जाए कि अरे दुख है, ये है, हरे कृष्ण करो, भगवान का भजन करो, इसी के लिए किए हैं। क्योंकि गीता पढ़कर तो समझते नहीं है, मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, क्लियर है भगवान का वाक, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। तब कभी कभी कोई दुख देते हैं, कोई महारोग दे देते हैं, तब अब हाथ जुड़ता है कि हे भगवान, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है ना, ये बातें हैं, अब आपके अतिरिक्त कोई नहीं है कृष्ण, हरे को हरिनाम। जब सब ओर से आदमी हार जाता है तो हरि को पुकारता है,
तो वो श्री कृष्ण को पुकारता है। इसीलिए भगवान इस लोक में भारतवर्ष में दुख रखे हैं। यह दुख भगवान का अभिशाप नहीं है, वरदान है। जब जीव इस तरह से उब करके भगवान के तरफ फेस करे तो यही सफलता है, यही सबसे बड़ा धन है वास्तव में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शरीर उच्च है या नीच शरीर, जैसे कीट पतंग उड़ने वाला जीव, पशु पक्षी पशु आदि का ये विवेकहीन शरीर है, या उसमें भी भोगों की दृष्टि से या जीवन के अल्प अवधि के कारण नीच माना जाता है। किसी किसी जीव की उम्र केवल 1-2 मिनट की होती है। कोई जीव जन्म लेते हैं तो 1 दिन में उनका शरीर छोड़ जाता है और दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, शायद 1 दिन में 10-12 शरीर मिल जाता है। तो मनुष्य तो समझते हैं कि हम बहुत दीर्घायु हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आदि के उम्र को देखा जाए तो मनुष्य वही मच्छर की तरह जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। वो लोग यही देखते हैं कि ब्रह्मा जी और देवता आदि सोचते हैं क्या मनुष्यों का जीवन है, इतना जल्दी जन्म लेना मर जाना। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत लंबी जिंदगी जिए। तो कोई उम्र की दृष्टि से भोग की दृष्टि से ऊंच नीच शरीर सब मिलता रहता है। तो यह जंतु ऊंचा शरीर या नीचा शरीर प्राप्त करता है, फिर उत्सृजति उसको छोड़ता है। कैसे? कर्मणा, अपने कर्म के अनुसार। तो कर्म ही ऊंचा शरीर देता है, कर्म ही नीचा शरीर देता है, सुख दुख आदि सब कर्म देता है। यहां तक शत्रु मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। पिताजी वास्तव में इस संसार में अपना कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही उदासीन है, और क्या कहें, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। यहां तक भगवान बोल रहे हैं।